तो इस प्लांट का तो शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो, ये है दोस्तों कुसुम ट्री। उनाई के जंगलों में पाया जाने वाला एक प्लांट है। जब वसंत आती है तो पूरा जंगल गुलाबी हो जाता है, वो होता है इन्हीं प्लांट की वजह से दोस्तों। उसके जो शूट्स निकलते हैं वो पूरी तरह गुलाबी होते हैं, तो पूरा जंगल गुलाबी दिखने लगता है, और वो होता है दोस्तों कुसुम ट्री। ये ऐसे ही पड़ा है पिछले साल से, मैंने उसको कुछ नहीं किया, ये सर्वाइव हो गया है, वो भी मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया, ये नहीं हुआ। तो आप कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों, तो आपको कोई प्लांट पसंद आता है तो ये बढ़िया से बढ़िया टेक्निक है दोस्तों। प्लांट को पार्सल कर लीजिए और उसको लीक प्रूफ टाइट कर लेना होता है, या किसी कटिंग से होने वाला अगर कोई प्लांट है तो उसको आप इस तरीके से, जैसे मैंने पी के प्लांट में किया था, तो उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है दोस्तों। और तो टेम्परेचर को बाहर जो कम ज़्यादा होता है रेट, उससे प्लांट बचता है, और उसको एक ग्रीन हाउस का इफेक्ट वाला एनवायरनमेंट या कंट्रोल टेम्परेचर मिलता है उसको पॉकेट में। देख सकते हैं यहाँ मॉस भी है, जबकि यहाँ अभी समर है, फिर भी इसमें ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है, यहाँ मॉस भी हो है, तो यही इफेक्ट होता है इस चीज़ से दोस्तों। तो मैं उसको डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, मुश्किल से मिला है, ऐसा स्टॉक मिलना मुश्किल है, तो मैं उसको ऐसे ही अब पोट देने जा रहा हूँ। जब भी डिहाइड्रेट लगता था मुझे तो इस सिस्टम में मैं पानी दे देता था और फिर रब कर लेता था। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, बड़े पत्तों वाला है, पर देखते हैं क्या निकल के आता है। उसको बाहर के एनवायरनमेंट में रखा है तो थोड़े सेफ्टी रखनी पड़ेगी, उसके गर्मी से बचाना पड़ेगा, तो एक पेड़ के नीचे मैं रखता हूँ सभी प्लांट, तो वहाँ रख दूँगा जिससे एकदम से उसको टेम्परेचर से ना लड़ना पड़े दोस्तों। तो कटिंग से लगने वाले प्लांट को भी आप अगर विथिन 10 सेकंड कटिंग किया, हार्ड शार्प कट किया और उसको फंगिसाइड लगा के तुरंत ही उसको कोकोपीट या किसी गीली मिट्टी में रख के आप उसको पार्सल बना सकते हैं, कोकोपीट अच्छा रहता है, तब इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलता है। यानी जो प्लांट जिद्दी है, जल्दी सर्वाइव नहीं होता। हमारे यहाँ एक ऐसा ही प्लांट था स्ट्रेबलस एस्पर या सेंट पेपर, उसको भी मैंने इसी तरीके से रूट के साथ है स्टेम, उसको भी आप पार्सल कर सकते हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।